फौज जियाउल्हक के टेक ओवर पर भी बहुत नाखुश थी, फौज भुट्टो के टांगने पर बहुत नाखुश थी। अंदर जो इंस्टीट्यूशन जो फैसला करती है वो तो कहती है कि जी नहीं, ये हमारा काम नहीं, हमसे नहीं होगा। ऐसा मौका आ जाता है कोई आदमी अपने इस ख्याल में कि मैं इसको ठीक करूंगा, या वो को पर्सनल एम्बिशन है, आइडियोलॉजिकल एम्बिशन है, या उसको नौकरी बचानी है, ये भी हो चुका हुआ, वो फिर खूं कर देते। और दूसरा ये है कि उसी वक्त होता है जबकि लगे कि यहाँ हालात ऐसे हैं कि लोग वेलकम करें, लोग आमतौर पर कहेंगे कि जी हाँ बड़ा अच्छा होगा। हम आमतौर पर बॉस का मान लेते, हम रिजिस्ट नहीं करते, किसी को नौकरी का है, किसी को किसी और चीज का ख्याल है। कभी कभी कोई आदमी आया, आखिर ये था ना 77 में जब भुट्टो ने वहां पर मार्शला लगाया, तो 3 ब्रिगेडियर्स थे, चले गए रिजाइन करके। उसके बाद जब जियाउल्हक ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी कुछ लोग जो थे छोड़ के चले गए। फौज जियाउल्हक के टेक ओवर पर भी बहुत नाखुश थी, फौज भुट्टो के टांगने पर बहुत नाखुश थी। लेकिन जब फैसला हो जाता है तो ये है हमारी एक डिसिप्लिन टीचिंग, यही है कि आपने फिर मानना है। उस मौके के ऊपर जो हुआ उस वक्त अगर मैं कहता ना कि नहीं हमारा काम नहीं है, ये हिम्मत चाहिए थी इसके लिए कहने की, और क्या असर होता है ये नहीं जानता। माना इसलिए कि मुझे भी लगता था हम सब लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हुए थे, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान से लेकर कम अज कम मेरे नहीं और इस तरह के लेवल तक पहुंच चुके हुए थे कि अभी बीवी से नहीं नहीं इसलिए नहीं चलेगी कि काफ़ी शकूक पैदा हो गए हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ पर कह देता कि जी हमें ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, ये वैसे भी जीत जाए, शायद बेहतर होता। जब ये फैसला हो गया तो फैसले के अंदर तो कह सकते हैं ना कि मेरे से किसी ने पूछना नहीं था, लेकिन मुझे समझ आ गई कि क्यों होता। जनरल हमीद गुल साहब का अपना, क्योंकि 2-2.5 साल से वो करे हुए थे तो किसी वजह से वो बन गया, लेकिन मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने मेरे समेत हमने कहा कि ये लगता है कि आपका ये ऑपरेशन ठीक नहीं चलेगा। अफगान्स को कोई तजर्बा नहीं है कन्वेंशनल लड़ाई का, इकट्ठे बनेंगे तो बटालियन बनेगी तो असॉल्ट वेव होगा और हम इस तरह फोर्ट्रेस कैप्चर करेंगे, ये तो नहीं कर सकते। ये तो इनका अनकन्वेंशनल वॉरफेयर अपने अपने इलाके में, गुरिल्ला वॉरफेयर के तो मास्टर हैं, इनसे बेहतर शायद ही कोई हो। उनका ख्याल था कि सिचुएशन ऐसी है कि शायद ये मिल मिला के हम कर लें, तो वो तो ठीक है कि काफ़ी लोगों को सही उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन जब वो फिर बॉस मैन, जो मैंने पहले कह चुका हूँ ना, अगर वो कारगिल कर दे या जलालाबाद कर दे या गवर्नमेंट डिसमिस कर दे, तो उसके लिए कोई और ही तरीका होगा जो कि हमें अपने सारे डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में डालना होगा। ISI का सरबरा सिविलियन लगा सकते हैं, खातून को लगा सकते हैं, जो तरीके हैं इंटेलिजेंस के वो भी लिखे पढ़े जो हैं उनके मुताबिक तो हम नहीं करते ना काम, और इसलिए नहीं करते कि हमारे यहाँ तारीखी तौर पर या कम से कम पाकिस्तान की जब से हिस्ट्री बनी है एक फौज का है एक स्टेटस, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेटस, और उसकी वजह से कई लोग कहेंगे कि जी कुछ फायदे हैं। मैं कहता हूँ कि ज़रूर होंगे, लेकिन बस चीज़ों में बहुत नुकसान। कानून कहता है कि यहाँ पर आप बनाइए और ये किस किस्म के लोग आपको चाहिए, लेकिन वहाँ पर चूंकि अभी फौज का एक खास स्टेटस है तो 60-70% 80% लोग जो है आर्म फोर्सेज से आएंगे, उसमें बहुत बड़ी तादाद फौजियों की होगी। फौजियों का अपना तरीका है, उनमें से कुछ लोग इंटेलिजेंस के लिए ठीक हैं, कुछ एनालिसिस के लिए ठीक है, कुछ ठीक नहीं है।
मैंने तो अपनी असेसमेंट दी थी 2011 जिस दिन ये इवेंट हुआ उसके दूसरे दिन अबू धाबी में मुझसे बीबीसी हॉट टॉक पर प्रोग्राम करवाया। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ, लेकिन अगर मुझे समझ यही आ रही है कि हमारे बगैर हो नहीं सकता क्योंकि बड़े खतरात हैं उसके अंदर साहब। कुछ थोड़ा सा ये भी था कि भाई अपने लोगों को डिफेंड करना, ये नहीं कहना कि नलायक है हम लोग, लेकिन सियासी मजबूरी है, उसामा बिन लादेन को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए हमने उनको ऊपर डाल दिया कि हमें तो पता ही। जो मैं अपनी विशुअल असेसमेंट कर रहा था कि उसमें इतना ज़रूर है कि पता भी था और कुछ हमने मदद एबटाबाद में जाए। आज भी लोग ऐसे हैं जो कि कह देंगे 24 घंटे पहले जी सड़कें बंद होनी शुरू हो गई थी। हमने यहाँ एक प्रेजेंटेशन दी थी, मैं उसका चेयरमैन था और उनमें एक दो चीज़ें शायद जन साहब को पसंद नहीं आई होंगी। एक तो खैर जमहूरियत के बारे में था कि ये पूरी पूरी रिस्टोर होनी चाहिए, ये हमने कह दिया। उस वक्त के बिगिनर्स इस तरह के ही होते थे, उनको रियलिटी का तो नहीं था इतना अंदाज़ा होता, तो हमने जब कह दिया तो उसके बाद उन्होंने जिनका उनका तरीका था बड़े हौसले से सुना। लेकिन एक साल फिर जब मेरी बारी आई, जब मेरा ख्याल था कि अभी बन जाएंगे, रिकॉर्ड वगैरह भी ठीक है, लोग कह रहे थे आपको बनना है, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। बाद में अपना तजर्बे में जब आए तो उसको समझ आ गई कि इतना आसान भी नहीं है ये कह देना कि जी हाँ ठीक है सब कुछ, जब आप जमहूरियत लाएंगे और जब लोगों को मौका मिलेगा तो सब ठीक हो जाए। पावर का जो है इक्विलिब्रियम वो बहुत ख़राब हो चुका हुआ, इतनी ज़्यादा ताकत आ चुकी है ना आर्मी चीफ के पास। एक तो वैसे ही फौज की ताकत है, दूसरा उसकी जो एबिलिटी है लोगों की को मरोड़ हाथ मरोड़ने की, इन्फ्लुएंस करने की, अपने जो है उनको कोर कमांडर्स वगैरह या जो अपने जो जनरल अफसर है उनको वो पर्क्स वगैरह देने की, ये उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि बड़ा कम आदमी दिल गुर्दा निकालेगा, कहेगा कि मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ, मैंने तो अकड़ जा। एक मरबला है और ये कल्चरल है, ये फौजी प्रॉब्लम नहीं, ये कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ के लोग ताकत के सामने सर झुकाने में कोई इनकी हमारी पता नहीं 400-500 साल की तारीख है। जब भी सिविल गवर्नमेंट वालों ने ये फैसला करते हैं ना कि हमने आदमी ऐसा चुनना है जो हमारी सरकार को ना गिराए, वही गिराता। ये देख लीजिए जावलाक ने किया, मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ। अभी ये मियां साहब ने जब अगली दफा इस्तीफा किया था तो तीसरे नंबर पर गए, मेरिट वगैरह को छोड़ा इन्होंने, एक बंदे को चुना कोई मुझे नहीं मालूम किस वजह से, लेकिन वही हैं बाजवा साहब जिन्होंने उनको फिर फर्क कर दिया। ये मेरिट पर आप रखे प्रोफेशनल जो चीफ होगा वो नहीं करेगा, बहुत सोचेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। जन बेग को नहीं, अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आ गई थी इंक्वायरी, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे एक ही बात पूछते थे, क्या क्या सबूत है। मैंने कहा सबूत तो बहुत है, कोर्ट में भी थे, ये भी थे, आप उनको बुलाइए, जो दो चार सबूत मेरे पास फालतू या रिजर्व में रखे हुए मैं दे दूँ। किताब से पहले भी कुछ थी ना, नाराजगी तो थी जब से बाजवा साहब आए थे। उस वक्त मैं हैरान होता था कि मुझे 25-26-27 साल कभी किसी ने ना कोई मेरे पास आया सिक्योरिटी क्लियरेंस, ना मुझे कहीं पर डिनाई हुआ, ये हुआ क्या। लेकिन अपना कुछ नहीं, मैंने किसी से पूछना, अपना काम करते रहे, इवेंट नहीं अटेंड करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर आस्ता आस्ता समझ आएगी कि ये पुराना मसला शुरू हो गया हुआ। ये जो आगे बाद में जो रॉ वगैरह की एलिगेशन आई हैं, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे होगा। अगर आपने किसी एक खास कर्व पर लग जाए कि भाई हमने इस आदमी को सजा देनी है और उसके लिए आप हकायक को तोड़ मोड़ें या किसी चीज़ को स्पिन करें, या जैसे
कि किताब के अंदर बहुत सीक्रेट लीक हो गए। कोई नहीं सीक्रेट, अगर सीक्रेट लीक हुआ था अभी तक तो पता नहीं क्या हो जाना था, कोई सीक्रेट नहीं मिला। अच्छा उसके बाद के जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी पर बात करता है, कोर्ट में होती रही है बात। मैंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी पर मैं बात नहीं करूंगा, तो मैंने और क्या बात करनी है, मुझे तो मौसम और ज़राअत और इन चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, तो मैं तो इसको 25 साल से बात करता है, ये क्यों हो रहा है। अगले दिन किसी बेवकूफ़ आदमी को, सख्त बेवकूफ़ आदमी था, इससे ज़्यादा नलायक आदमी मैंने नहीं जानता कि वो कौन था जिसने सोचा हो कि अच्छा अभी रॉ का काम ले लेते हैं, बहुत धमाका होगा। जब इसकी लॉन्च हुई थी 23 मई 2018 को ये लॉन्च हुई है दिल्ली में, वहाँ पर जो लॉन्चिंग पर जो सेशन था, जो उसकी डिस्कशन थी, वो देख लीजिए कि कौन कौन था और क्या क्या बात हुई किताब के बारे में। पुराना प्राइम मिनिस्टर भी है मनमोहन सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी है, फॉरेन मिनिस्टर विश्वन सिन्हा है, फारूक अब्दुल्ला है, और भी बड़े लोग हैं, यूनियन मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ है। हाल बड़ा पड़ा है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से, और डिस्कशन का एंड क्या है, हिंदुस्तान की कश्मीर पॉलिसी फ्लॉड है, हमें चाहिए कि पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर इशू को रिजॉल्व करें। ये दिल्ली में हो रहा है। अच्छा ये इस किताब का इफेक्ट दिल्ली में है। अगर ये उसका हुआ है तो कुछ तो अच्छी बात की होगी ना भाई हम लोगों ने। लेकिन चूंकि किताब का मसला नहीं था, कि ऑथर का मसला था, इसलिए वो सारा कुछ जो है वो किसी ने या तो पर्चे पुर्दा डाल दिया, या उसको अहमियत नहीं दी, या सुना नहीं है, और बाकी जो चीज़ थी उसको स्पिन करते रहे।